दोस्तों, यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। रूस काफी समय से यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात किए हुए था, अब फिर उन्होंने यूक्रेन पर हमला करना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने वाले नेटो के देशों ने ऐलान किया है कि वो इस जंग में अपनी सेना को नहीं भेजेंगे और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से इसे लड़ेंगे, जिसका मतलब है दुनिया की दूसरी बड़ी सेना के सामने यूक्रेन अब अकेला खड़ा है। क्या यूक्रेन की मिलिट्री में इतनी क्षमता है कि वो रूस से टकरा जाए? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही देशों के मिलिट्रीज और उनके हथियारों को कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है बेहतर, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। Factified. Facts on your face. मिलिट्री पावर की बात की जाए तो जहां रूस दूसरे नंबर पर है, वहीं दुनिया में यूक्रेन अभी 22वें स्थान पर है। यूक्रेन की $203 बिलियन की GDP में से यूक्रेन का कुल डिफेंस बजट 11.87 बिलियन डॉलर्स का है। साथ ही यूक्रेन की इकोनॉमी इंपोर्ट्स और फॉरेन फंडिंग्स पर भी निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ रूस की इकोनॉमी यूक्रेन से 8 गुना ज्यादा है और इनकी कुल GDP 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इस GDP का एक बड़ा हिस्सा, लगभग $51 बिलियन रूस अपने डिफेंस पर खर्च करता है। यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होकर जब खुद को स्वतंत्र घोषित किया, तब उन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए और रूस को दे दिए, जिस कारण आज यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है, जबकि रूस के पास 6500 न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब ज़ार बॉम्ब भी शामिल है। यूक्रेन की कुल मिलिट्री स्ट्रेंथ 5,60,000 सैनिकों की है, जिसमें से एक्टिव पर्सनल की संख्या 2 लाख है और 2.5 लाख रिजर्व में रखे गए। वहीं दूसरी ओर रूस को देखा जाए तो उनकी कुल मिलिट्री की संख्या 30 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें 10 लाख एक्टिव पर्सनल और 20 लाख रिजर्व सैनिक शामिल हैं। दोनों ही देशों में विमेन सोल्जर्स की संख्या लगभग बराबर है। जहां यूक्रेन के पास 50,000 फीमेल पर्सनल्स हैं, वहीं रूस के पास 60,000। हथियारों और व्हीकल्स की बात की जाए तो यूक्रेन के पास इस वक्त 2,596 कॉम्बैट टैंक्स, 12,303 आर्म्ड व्हीकल्स और 4,750 आर्म्ड कैरियर्स हैं, जो रूस के 13,100 कॉम्बैट टैंक्स, 51,452 आर्म्ड व्हीकल्स और 10,215 आर्म्ड कैरियर्स के सामने बौने नजर आते हैं। दोस्तों, फिर रूस के पास यूक्रेन के 50 मिनी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के सामने 10,260 मिनी प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की विशाल संख्या है। साथ ही रूस के पास यूक्रेन से दोगुनी आर्म्ड कार्स भी हैं। यूक्रेन की टोटल आर्टिलरी इस वक्त 3,107 है, जिसमें से उनके पास 664 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। लेकिन रूस की आर्टिलरी 14,000 से भी ज्यादा है, जिसमें यूक्रेन से 6 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ी जानी है। हाल में आती हुई खबरों में आपने देखा होगा कि लगातार रूस अपने एयरक्राफ्ट से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। यूक्रेन भी उसका जवाब डट कर दे रहा है। लेकिन ऐसा कब तक मुमकिन है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इन दोनों देशों की एयरफोर्स को कंपेयर करेंगे। रूस के पास इस वक्त 4,208 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 947 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या भी 849 है। इसी के साथ साथ इस वक्त रूस के पास 653 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 592 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी हैं। दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ देखा जाए तो उनके पास रूस से 12 गुना कम सिर्फ 325 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से सिर्फ 80 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 29 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जो दिखाता है कि यूक्रेन की ऑफेंसिव स्ट्रेंथ रूस से 10 से 15 गुना कम है। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें और वहां भी यूक्रेन की हालत ज्यादा मजबूत नहीं नजर आती है। रूस के 653 एयरक्राफ्ट के सामने उनके पास सिर्फ 83 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही उनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या भी 100 से कम है, जो रूस को बड़ा एडवांटेज देती है। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी एयरफोर्स में कई और हथियारों और एयरक्राफ्ट की जरूरत है। यूक्रेन के पास वर्तमान में कोई भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। साथ ही दुश्मन के हमलों को पहले से ही भांप लेने वाले एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट और दुश्मन के रडार की क्षमता को कम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की भी यूक्रेन को इस वक्त सख्त जरूरत है। रूस के पास इस वक्त 135 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, साथ ही 41 AWCS और 7 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, जो साबित करते हैं कि रूस के पास हवा में ज्यादा क्षमता है। एयरक्राफ्ट के अलावा अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यूक्रेन के पास रूस के 1573 हेलीकॉप्टर्स के सामने सिर्फ 145 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और 78 अनमैन्ड ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर्स। यूक्रेन ने इसके अलावा 46 और हेलीकॉप्टर्स का भी ऑर्डर दिया हुआ है, जिसके बाद उनके कुल अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स की संख्या 124 हो जाएगी। लेकिन रूस के लिए अब भी ये नाकाफी होगा,
क्योंकि उनके पास 4,000 से ज्यादा अनमैन्ड हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। साथ ही उनके 1573 हेलीकॉप्टर्स में से 652 हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो इस जंग में निर्णायक हो सकते हैं। रूस के पास अपनी सेना को जल्दी से यहाँ से वहां ले जाने के लिए 473 ट्रांसपोर्ट कैरियर्स भी हैं। जहाँ यूक्रेन के पास एक भी टैंकर एयरक्राफ्ट नहीं है, वहीं रूस के पास 17 से भी ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद है। एयरफोर्स की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो आइए नेवी पर भी नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन की नेवी के पास कुल 38 जहाजों के नेवल फ्लीट है, जिसमें एक कॉर्वेट, एक फ्रिगेट और 10 पेट्रोल वेसल शामिल हैं। यूक्रेन के पास अब तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर सबमरीन नहीं है, जबकि रूस की टोटल नेवल फ्लीट 625 जहाजों की है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 डिस्ट्रॉयर और 85 कॉर्वेट शामिल है। इसके अलावा रूस के पास 64 सबमरीन और 57 पेट्रोल वेसल्स भी है। इन आंकड़ों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यूक्रेन के बचने के कोई चांसेस नहीं है और रूस एक ही झटके में चाहे तो यूक्रेन को खत्म कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, क्योंकि अब यूक्रेन एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। इस वजह से रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादातर देशों ने यह करार साइन किया हुआ है कि जब तक सामने वाला देश न्यूक्लियर वॉरफेयर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो भी नहीं करेंगे। अब रूस इस करार को लेकर कितने वक्त तक मानता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यूक्रेन के लिए अभी तक एक सेफ्टी वॉल के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, इस वजह से रूस की जनसंख्या इस जंग में शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लोग अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठाना शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन में सरकार ने बंदूक रखने पर लगे ज्यादातर प्रतिबंधों को हटा दिया है और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की नसीहत भी दी है। इसके अलावा यूक्रेन की सरकार अपने देश के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पेट्रोल बम जैसे हथियार भी बनाना सिखा रही है। और जब यूक्रेन के इन 4 करोड़ लोगों से रशियन फोर्सेस का सामना होगा, तो वो उसके लिए काफी कम तैयार होंगे। आम नागरिकों पर एक सेना का हमला करना दुनिया भर में भी रूस के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ सकता है, क्योंकि आम नागरिकों की प्रताड़ना जंग का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज को दरकिनार कर दिया जाता है और ये मुमकिन है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रूस के ऊपर बनना शुरू हो। ऐसे में रूस का साथ दे रहे बाकी देश और चुप्पी साधे बैठे न्यूट्रल देश भी चुप नहीं बैठ पाएंगे और ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए रूस को काफी कड़े परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का हल क्या निकलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन आपका इस बारे में क्या सोच रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।